नमस्कार भाइयों, अभी जो उमेश हत्याकांड हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, तो पेशे से वकील थे उमेश भाई, लीडर भी, उनकी हत्या कर दी गई। और उनके साथ जो पुलिस वाला था उसकी भी, गनमैन, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। और मैं बोलना चाहूँगा, उमेश पाल उमेश हिंदू भी था, तो सभी हिंदू संगठनों को अपना बयान देना चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हिंदू वाहिनी बजरंग दल वगैरह में काम करते हैं। तो सभी हिंदू संगठन को आगे आना चाहिए। आतंकवादी घटना है, इसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और जो भी लोगों ने मर्डर किया उमेश भाई का या राजू पाल जी का, उन सबको एनकाउंटर करो, फांसी दो। और मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, उनके परिवार को ए ग्रेड या बी ग्रेड की नौकरी दें, उनकी वाइफ या बेटे को योग्यता अनुसार, और 50 लाख रुपए मुआवजा दें। क्योंकि भाई उमेश पाल सिर्फ सत्य की लड़ाई को लड़ रहा था, वह राजू पाल की गवाही दे रहे थे, कहीं ना कहीं इंसानियत का फर्ज निभा रहे थे, जो जान देकर चुकाना पड़ा। उन्हें पता था उनकी जान को खतरा है। उसके बाद हत्यारों की इतनी हिम्मत के पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा उन्होंने, उनको भी मार दिया। तो योगी जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे निवेदन है पूरे पाल बघेल समाज का कि आप उन्हें एनकाउंटर कराएं, फांसी दें, पकड़ाएं, किसी को भी बख्शे ना। पूरा पाल बघेल समाज जब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा, इनको फांसी नहीं दी जाएगी। सभी भाई उमेश भाई के लिए आंदोलन करें, अगर नहीं पकड़े जाते उनके अपराधी तो। और अपराधी कोई भी हो, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होती, अपराधी तो अपराधी होता है। और विधानसभा में जो हंगामा हो रहा था, तो मैं बोलना चाहूँगा अखिलेश यादव जी को, आपको बघेल समाज से इतनी हमदर्दी है, तो आप उनके घर जाओ और उनको, उनके घर वालों की मदद करें, सहायता राशि देकर। अगर कोई व्यक्ति यादव समाज के व्यक्ति के साथ घटना होती, तो अभी तक आप अवंडर खड़ा कर देते, आप उनके घर क्यों नहीं गए? क्या बघेल समाज आपके लिए काम नहीं करता? तो बघेल समाज के लोग इस राजनीति के चीज़ों को समझें। राजनीति के चक्कर में बीजेपी, कहीं समाजवादी, इनके चक्कर में बघेल समाज के लोगों की बलि चल रही है। पहले राजू पाल, फिर उमेश पाल, और पूजा पाल को भी सुरक्षा दी जाए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, क्योंकि समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि बघेल समाज का बहुत शोषण हो रहा है राजनीति के अंदर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके हत्यारों को अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया। हमारी छोटी बहन सीता बघेल जिला भिंड में उनकी हत्या कर दी गई।